This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Hello, 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 welcome to the stream, boys. Sorry for the delay, yaar, aaj thoda delay ho gaya. Main bahar gaya tha thoda. Just creating poll for you guys. हाँ ठीक है, खेलने का. अरे गेमिंग एलेक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. शुड बी स्टार्टिंग सून आई गेस. यस, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारी स्क्वाड्स आते हुए दिखेंगी. एरीज जो क्वालिफाई हुई हैं 10 and 11 PM से, एरीज, डीवीजी, आरएनआर, स्काई स्पोर्ट्स, टीआरक्यू, टीआर, वोल्ट एंड यहाँ पे यस वोल्ट के बाद हम टीआरक्यू, टीआर, बीक्यू, सॉरी वोल्ट तो नीचे है उसके. स्लॉट नंबर 16 पे हम देख पा रहे हैं टीम बीक्यूएस. यहाँ पे देखते हुए 17 पे हम देखें ईगल आई सिंडिकेट, वोल्ट एंड देन एमकेएस. एंड 20 पे हम देखेंगे डेड आई वन, यस, एंड टीम 21 डार्क. टीम थग हमारी 22 पे आते हुई टीआरक्यू, टीआरक्यू एंड लास्ट में भी टीआरक्यू. तीन स्क्वाड्स, चार स्क्वाड्स टीआरक्यू के हमें देखने को मिलती हुई इनसे प्लेस बाय देम. और यहाँ पे हम देखेंगे प्लेइंग की अच्छी लाइन नहीं थी इतनी, काफ़ी कोने से गई थी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड ड्रॉप दिखता है देखने को मिलता हुआ, जिसमें हम एरीज देखेंगे. एरीज सबसे ज़्यादा पीछे से उतरी है, उनका ड्रॉप कंटेस्ट करेगी एस टी आर की टीम यहाँ पे रोइंस में. एंड अगर हम देखें टी आर स्पेंसर पहले उतर गए थे अपनी टीम के लिए, तो वो अभी के लिए सेफ हैं फिलहाल. कैटर फील्ड्स पर हम यहाँ पे देखें, कैटर फील्ड्स पर यहाँ पे ईगल सिंडिकेट, ईगल आई सिंडिकेट भी उतरी है. अगेन स्ट्रीम शुड बी स्टार्टेड आई गेस, यस स्ट्रीम हैज स्टार्टेड. ओके, वेल एंड गुड. खेलने का ना करेंगे लाइक, मत समझा नहीं मैं गेमिंग एलेक्स ब्रो. खेलना है क्या तुम्हें? यहाँ पे हम देखें यस टीम डार्क, यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग देखने को मिलती हुई. पर भाई इस वक्त बीक्यूएस यहाँ पे फाइट लेती हुई, लेट्स सी बीक्यूएस पॉइंट ऑफ व्यू. यस बीक्यूएस स्पाइडी को हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे टी आर क्यू के एक बंदा नॉक जरूर करा है उन्होंने रिसेंटली में, ऐसा हम देखे टी आर क्यू डेड शॉट यहाँ पे एस जैक नॉकड है अपने यार माफिया की टीम के यहाँ पे एस. होपली होपफुली रिवाइव मिल जाए उनको, मुश्किल है बहुत. और इसी के साथ फिनिश भी होते हुए पहला झटका लगता है वहाँ पे टी आर क्यू की टीम को. आर एन आर को दिखाओ भाई, आर एन आर, यस ब्रो आर एन आर को दिखाते हैं ब्रो. यस आर एन आर, वी कैन सी देयर अराउंड द यस पोर्टो परासियो. काफ़ी ज़्यादा अलग यहाँ पे देखने को मिलती हुई. पनिशर हैं, डार्क साइड हैं, बी टी तनु एंड टॉक्सिकोपी, चारों के चारों बंदे हमें देखने को मिलते हुए. होपफुली आवाज़ वगैरह सही आ रही होगी यार, कुछ ख़राब आ रही हो तो एक बार ज़रूर बता देना. हाँ एवरीथिंग इज़ गुड. C7 जैक्सन या एरीज की स्क्वाड भी एक्शन में आती हुई दिखेगी, लेट्स गो टू एरीज. यस जैक्सन यहाँ पे नॉक करेंगे टीआर को. यस यहाँ पे उन दोनों का ड्रॉप कंटेस्ट हुआ था, स्पेंसर ही अकेले उतरे थे और वही नॉक हो चुके हैं अनफॉर्चुनेट यहाँ पे टीआर के लिए काफ़ी ज़्यादा. बट लेट्स सी एरीज डेड शॉट. अभी के लिए फिलहाल तो इनके पास कुछ नहीं है, टीआर की टीम जस्ट उनके सामने ही है. गाड़ी लेकर फटाफट से निकलना चाहेंगे. काफ़ी ज़्यादा फायर आता हुआ एरीज की तरफ यहाँ पे टीआर की तरफ. यस स्टॉर्म यहाँ पे नॉक होंगे डूसुफा की तरफ से. और यहाँ पे हॉकआई भी यहाँ पे बैठना चाहेंगे, कवर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए. यहाँ पे हम देखें M16 रॉलिंग भी आगे पुश करते थे. दे आर हाईली वेली वेल इक्विप्ड कंपेरेटिव टू टीम एरीज. यहाँ पे हम देखें पीछे से टी आर मावी भी स्प्रे करते हुए डेड शॉट की तरफ. अगेन एरीज इज इन ग्रेव डेंजर राइट, कॉन्स्टेंट्स पे आ रहा है. बट अगेन आई गेस वो रिच की वजह से उनको स्प्रे नहीं लगेगा. टी आर क्यू लियो को दिखाओ. ओके भाई टी आर क्यू लियो को भी दिखाएंगे. अभी ये फाइट हो रही है अच्छी, काफ़ी अच्छी फाइट हो रही है. अगेन स्प्रे आते हुए काफ़ी ज़्यादा, पर हम देखें रोहलिन तो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं अपनी टीम के लिए. और स्पेंसर को यहाँ पे हील मिल चुका है, रिवाइव मिल चुका है. यहाँ पे यस पहला नॉक आता हुआ बाय रोहलिन, यहाँ पे डेड शॉट को नॉक करेंगे फिनिश पे. इसी के साथ पहला झटका यहाँ पे एरीज को लगता हुआ. उसके बाद हम देखें सी7 जैक्सन अगले यहाँ पे हो सकते हैं.
या फिर हम लूसीफर को देखें, लूसीफर का शॉट लेंगे, लूसीफर शॉट करते हुए स्टॉर्म को, एरी स्टॉर्म यहाँ पे नॉक होंगे। और अब यस काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। हॉक आए एनसी सेवन जैक्सन, यहाँ पे जैक्सन को अगर हम देखना चाहें, जैक्सन यहाँ पे एक नॉक निकालेंगे बट अगेन वो खुद फिनिश होते हुए साथ में, इसी के साथ हॉक आए भी फिनिश होंगे। टी आर गेट्स द फर्स्ट किल्स एंड इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप होती हुई पहली। लेट्स गो टू टी आर की माफिया स्क्वाड ऑल्सो, दे वर इन ग्रेव डेंजर। टी आर क्यू लियो को दिखाने की वो आई थी, लेट्स गो टू टी आर क्यू लियो स्क्वाड ऑफ यू ऑल्सो। यस टी आर क्यू लियो, गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू न्यू टू द चैनल मैन। एंड डू टेल मी इफ द क्वालिटी इज is anything less than this. शाम ब्रो आई से जाने के बाद ग्रेविन लाइव आते। अरे नहीं नहीं भाई, वी आर सेफली नाउ हियर। आराम से टी आर क्यू पांडा को हम यहाँ पे देखे वो भी निकलते हुए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग अलग, सारी टीम्स काफ़ी अलग अलग हो चुकी हैं मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे एम के एस यहाँ पे फाइट लेना चाह रही है, मेरे को उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम ऑलरेडी सिचुएटेड है। फायर आता हुआ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एस काफ़ी अच्छा फायर आता हुआ यहाँ पे डी वी जी की तरफ से स्पार्की के ऊपर। गोकू वहाँ पे यस आर बी डिफेंडर को नॉक करके यहाँ पे स्टार 98 के ऊपर हम देख पा रहे हैं। देवम के काफ़ी अच्छा एंगल आएगा स्पार्की का, बट लेट्स सी कब तक वो वेट करेंगे। लेगेसी भी यहाँ पे अभी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, स्पार्की का एंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने का। लेट्स सी वेलोसिटी डीवीजी के हमारे जो मेन स्टार परफॉर्मर रह चुके हैं अभी तक वो क्या करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भाई शशांक, मॉडरेटर हमारे चैट में आते हुए। ईगल आई सिंडिकेट भी डार्क के डार्क हंटर को नॉक करेंगे। यस वहां पे भी एक फाइट होती हुई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ईगल वर्सेस डार्क यहाँ पे। यस दो नॉक आए हैं वहां पे ईगल की तरफ से, ईगल इज काइंड ऑफ रशिंग राइट नाउ। ओजी तभी यहाँ पे नॉकड है और यस दे आर कांट ही कांट बी रिवाइव पक्का यहाँ पे। यस क्रॉस वाइटी विल नॉट बी लेटिंग दैट हैपन, यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे नहीं अभी तो नहीं कर रहे फिनिश। ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम हिम बट अगेन टीम डार्क इज इन ग्रेट डेंजर फिनिश करते हुए फाइनली। डाका एंड डाका हंटर एक ही साथ बड़े में वहाँ पे अहम के स्पार्की का फाइनली नॉक आता हुआ बाय द देवम, जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था वहाँ पे देवम का काफी अच्छा एंगल था एक स्पार्की के लिए। एम के एस को ही जाना पड़ेगा, वील गो टू एम के एस पॉइंट ऑफ व्यू अगेन क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं इस वक्त। लेगेसी अपनी टीम के लिए, यस लेगेसी एंड रेकलेस ही अपनी टीम के लिए बचे हैं इस वक्त। लेट्स सी व्हाट आर द टाइम टू डू, कॉन्स्टेंट स्पेस आ रहे हैं स्पार्की को रिवाइव करने जाते हुए। रेकलेस एंड लेगेसी अंदर आते हुए अगेन मैं देख पाऊँ, अगर क्रिमिनल तो मेरे ख्याल से अभी के लिए फिलहाल सेफ है बट कब तक सेफ नहीं है। और फिनिश होते हुए टीम नंबर 13 यहाँ पे, स्लॉट नंबर 13 पे मैं देखा था टीम बैठी थी। यस स्लॉट नंबर 13 पे स्काई ई स्पोर्ट्स की टीम भी थी जो यस इनके स्पार्क मारे जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली टीम नंबर 13 को नुकसान होता हुआ एक प्लेयर का। यस डीबीसी वेलोसिटी को शायद स्पॉट करा था जरूर उन्होंने बट अगेन लेट्स गो टू डीबीसी वेलोसिटी स्पॉट है क्या। यस लांसर एंड देवम आर ट्राइंग टू स्पे डाउन एम के एस टीम। यस रिवाइवल के लिए जाती भी क्रिमिनल के, यस क्रिमिनल रिवाइव होते हुए इसी के साथ वहाँ पे एम के एस निकलना चाहिए फटाफट से। स्काई स्पोर्ट्स विल बी हैंगिंग अराउंड टू टेक द फाइट आई गेस, दे हैव ऑलरेडी सफर्ड अ वन मैन लॉस फॉर द हैंड्स ऑफ टीम डी बी जी रिबॉन। Let's go to the fight that we were expecting to see. Dark versus yes, Dark is finished, I guess. Yeah, Dark Hunter. Let's see his
परफॉर्मेंस 1v4 सिचुएशन राइट नाउ, बट वन इज नॉक, सो 1v3 काइंड ऑफ, पर स्ट्रगल तो वॉल में, पर बचेंगे वहाँ पे. वार्डन ने यहाँ पे कुछ नहीं करा, लेट्स सी ईगल आई सिंडिकेट का वार्डन यहाँ पे क्या कर पाएंगे. सॉरी स्ट्रीम, नो प्रॉब्लम विशाल ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम. आज मैंने भी कुछ स्टेट लेट स्टार्ट कर यार थोड़ी स्ट्रीम. गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. कितने लाइक्स हो गए यार, 7 likes, लेट्स डू इट मोर. 30 एंड इसी के साथ यस ईगल एंड सिंडिकेट फिनिश करते हुए. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई हीरोइक्स नहीं आते हुए डार्क हंटर की तरफ से. अगेन लेट्स गो टू स्काई स्पोर्ट्स. यस नाइट्रॉन इज निकटिंग, यस नॉक्ड इज हियर बाय द हैंड्स ऑफ टीम नंबर 11 डीबीजी रिबॉर्न. जैसे हम देख पा रहे सेंट मार्टिन की लड़ाई थी, यस मुक्को से फिनिश करेंगे यहाँ पे नाइट्रॉन को. एक और यहाँ पे झटका लगता है स्काई स्पोर्ट्स को. सो अगेन लेट्स गो टू क्लॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू नाउ. स्काई वेजिटा एंड क्लॉनिक आर द ओनली रिमेनिंग मेंबर्स फॉर द स्काई स्पोर्ट्स नाउ. बस वी आर वेरी क्लोज टू 665 सब्सक्राइबर्स, 2 more subscribers टू गो. कम ऑन यार जल्दी से, इफ यू आर नेट ऑफ द स्ट्रीम मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स ग्रुप. If you like casting, यहाँ पे यस क्लॉनिक स्प्रे करते हैं थोड़ा सा. यस देख पा रहे हैं हम वहाँ पे 3-4 बंदे थे वहाँ पे डीबीजी रिबॉन के. लांसर को थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया है वहाँ पे क्लॉनिक ने, बट अगेन कार 98 का गर्मा गर्म शॉट आता हुआ देव स्पॉट होते हुए वहाँ पे क्लॉनिक को टैप्स आता हुआ स्कारल के. यस लांसर भी वहाँ पे स्पॉट होंगे. यस आई कैन सी और वहाँ पे यस DBZL की हमने स्नाइपर देखी है, काफ़ी अच्छी स्नाइपर चलाते हैं DBZL और यही हमें देखने को मिलता है आज भी दोबारा से. क्वालिटी बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, थैंक्स ब्रो फॉर लेटिंग मी नो. यस रिवाइव मिल जाएगा इनको दोबारा से, बट अगेन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं उनका हेलमेट तो पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट एंड लेवल 1 ही वेस्ट है, तो बहुत दिक्कत आने वाली है धीरे धीरे आगे. यस M24 आती हुई इनके हाथ में, लेट्स सी वो यहाँ पे स्नाइपर का जवाब स्नाइपर से देख पाएंगे. DBZL की स्नाइपर अभी तक ऑन पॉइंट देखी है, NTR की गोकू की भी हमने काफ़ी अच्छी स्नाइपर चलते हुए देखी है फिलहाल अभी तक. एंड यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट्स ही मोस्टली देखने को मिलती है. थोड़ा मीरामार का मैप है, थोड़ा लंबा मैप चलता है, काफ़ी बड़ा मैप है कंपैरेटिवली. मेरे पैर में हुआ है दर्द सा, DBZL trying to take a angle for hit to hit a car 98 headshot, but it will not give it. And इसी के साथ हम देखें yes TR and Eagle Eye Syndicate are very getting very close to each other. Rotation आता हुआ देखेगा. Rollin को यहाँ पे heal करना पड़ेगा फटाफट से. Yes they have, he has bandage, 8 bandages, so he'll be good for it. And अगला zone भी बन चुका है zone यहाँ पे. Yes लॉस लियोनीस की तरफ जाता हुआ पिकाड़ो में यहाँ पे हम देखेंगे TRQ की टीम उतरी भी है यहाँ पे. DBZL फाइनली एक शॉट कनेक्ट करेंगे जैसे हम सोच करेंगे वैसे यहाँ पे DBZL का यहाँ पे स्नाइपर शॉट करेक्ट होता हुआ. अगेन बहुत दिक्कतें होती हुई स्वाई स्पोर्ट्स के बंदों को. अगेन एक और हेलमेट उड़ता हुआ, क्लॉनिक का पूरा हेलमेट खत्म हो चुका है, जो बचा था वो भी जा चुका है. 8-bit Golu, hello hello, welcome to the stream bro. Guys, 1 minute delay stream pe, if you are thinking like I am replying to your chat delay after a long time, that's why I have a 1 minute delay on my chat, on my stream, not chat, sorry. Towards me dikh rahe ho, niche dekho MKS ki fight hoti bhi dikhegi yahan pe. Yes Eagle Eye Syndicate ke sath yahan pe hum dekh pa rahe hain Eagle Eye Warden yahan pe knocked buggy ke andar. Blade कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे. यस फिनिश होते हुए रेकलेस के द्वारा. अगेन यहाँ पे हम देखें क्रॉस वाइट ही यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे करना चाह रहे हैं जरूर, बट मेरे ख्याल से कुछ फायदा कुछ फायदा नहीं होगा. बॉन्ड को हम देखें नाउ व्हाट्स द स्ट्रेटजी, घेरेंगे क्या. यस आई गेस दे आर ट्राइंग टू फाइट. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्रिमिनल को देखें. यस रेकलेस यहाँ पे नॉक होते हुए. अगेन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक और फायर आता हुआ कॉन्स्टेंटली वहाँ पे. क्रॉस वाइट ही यहाँ पे बहुत बढ़िया स्प्रे डाउन करते हुए यहाँ पे AK-47 का फायर आता हुआ और यहाँ पे फिनिश भी करना चाहेंगे फटाफट से. MKS डायर सिचुएशन में आती हुई. क्रिमिनल एंड स्पार्की अपने के लगभग बचे हैं और यहाँ पे 2v2 सिचुएशन राइट नाउ फॉर इन दिस कंपाउंड. लेट्स सी स्पार्कीज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू. नेड आते हुए कॉन्स्टेंट यहाँ पे स्पॉट करेंगे. यहाँ पे बाहर निकल के मार सकते थे ब्लेड को, बट अगेन ब्लेड हैज अ ग्रेट कवर.
और यहाँ पे ये वन वी वन फाइट होगी, सामने के सामने बिल्कुल मीडियम एक्शन देखने को मिलता है, और ये भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे क्रिमिनल टीम के लिए बचेंगे। आई डोंट नो हाउ हाउ मच लॉन्ग ही विल बी सर्वाइविंग नाउ। क्रॉस वाइट यहाँ पे स्क्वाड हो चुके हैं, आपको मैक टाइम का बहुत बढ़िया यूज हमें देखने को मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीम MKS has just winned Eagle Eye Syndicate team love from Strike. बिल्कुल thanks bro. Strike qualify नहीं हो पाए, fake goal हुए भाई। यार क्या कि जूनियस को देखा, हाँ भाई जूनियस को दिखाते हैं यार। लियो वाली टीम है ना, नहीं ये नहीं है सॉरी, वेयर इज जूनियस, ये है क्या थॉर वाली, मेरे को जूनियस कौन सी टीम है, स्क्राइब सब्सक्राइबर ओनली का ऑप्शन है चैट में, सब्सक्राइबर ओनली क्या क्या, हाँ वो ऑप्शन है कि लाइक मैं सब्सक्राइबर ओनली चैट कर सकता हूँ, बट वाई टू डू इट ना, इट्स इजी बेटर वे, एवरीवन कैन चैट हियर। मैं चेक कर लेता हूँ टीआर के जूनियर का कौन सा वो है, शॉट नंबर 14, हाँ ये रिहान लियो वाला ही तो है, हाँ, किंग लियो वाला, हाँ ठीक है। फाइल मैनेजर में नहीं दिख रही, नहीं कुछ नहीं सब खाली है ना, फाइल मैनेजर में देख व्हाट्सएप में जाके, अकलमंदी दिखाई ना देख तूने, अकलमंदी हो गई, अब क्या गई, अकलमंदी दिखा दी तूने, वही तो शक्ति आई पोस्ट में देख तो जैसे मैंने पार्टी वाले ग्रुप पे सब पे भेजा, हां उसमें सारी दिख ही नहीं रही है, जितने भी हैं जितने भी आएंगे सारी में दिख, यहाँ पे ब्रूटल एजी, यहाँ पे थग, यस थग यहाँ पे फाइट लेते हुए दिखेगी, सॉरी गाइस, यहाँ पे यस वी हैव सीन थग टेकिंग फाइट विद डीबीजी, यहाँ पे डीबीजी अभी तक अच्छे फॉर्म में दिख रही थी, बट फाइनली यहाँ पे एक नॉक आता हुआ, यस डीबीजी वेलोसिटी यहाँ पे ब्रूटल एजी को नॉक करेंगे, काफी लंबी फाइट हमें देखने को मिलती है अगेन, यहाँ पे देवम यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे इजिली, वेलोसिटी अपनी टीम के स्टार फ्रैगर, लेट्स सी वेलोसिटी इज पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा यहाँ पे और थक अरी वेक और नेड से यहाँ पे नॉक करते हुए, काफी अच्छा यहाँ पे नेड आता हुआ, अगेन अभी अभी जस्ट रिवाइव ही हुए थे, एंड एक और यहाँ पे देखने को मिलता हुआ थक की तरफ से, काफी ज्यादा नेड्स चग होते हुए यहाँ पे, बट अगेन काफी ज्यादा आगे जाना पड़ेगा उनको, यस दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग एंड डीबीसी एल पीछे काफी ज्यादा जा चुके हैं, आई डोंट नो वेलोसिटी के पास काफी ज्यादा फेवर आ जाएगा, आई गेस देवम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया यहीं पे, ओके सो दे हैव लेफ्ट देवम for on its own I guess, but again मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लेट हो चुका है, ऊपर से थक अरीब यहाँ पे आ चुके हैं स्पॉट करेंगे, एंड यहाँ पे यस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डीबीसी की थोड़ा सा डेड आई बीस्ट, यस ब्रो डेड आई बीस्ट को भी दिखाते हैं ब्रो, डेड आई अभी तक तो फाइट में नहीं आया, कहाँ है वेट ये रहा डेड आई बीस्ट, ऑप्शन ऑन कर दो ऐसे ही बढ़ेगा सब्सक्राइबर काउंट, अच्छा ऐसा सीन है क्या, स्लॉट 13 गेमिंग एलेक्स, ओके वेट आई एम शोइंग यू स्लॉट 13 आरएनआर, यहाँ पे हम देखे फिलहाल रोटेशन डालते हुए दिखेगी इजी काफी रोटेशन, बट यहाँ पे हम देखे शायद यहाँ पे फाइट देखने को मिलती हुई क्या, यहाँ पे तो नहीं देखने को मिल रही है, टी आर क्यू में मिल रही है क्या, नहीं टी आर क्यू में भी यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे क्लोजेस्ट तो इस वक्त यहाँ पे यही देखने को मिलता है, हमें डेढ़ा है इज गेट वेटिंग वेरी वेरी क्लोज टू वोल्ट ई स्पोर्ट्स, डी सिंह लग गए क्रिमिनल के ही जीरा, हमारा बंदा अंदर घुस गया था, हाँ वार्डन बढ़िया अनफॉर्चुनेट रहा पर तुम्हारे साथ थोड़ा सा जल्दी मर गए, अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, वो ना ग्रुप पे सारी नहीं आई है,
यहाँ पे हम देखिए यस टी आर क्यू इज जस्ट रोटेटिंग आफ्टर टी बी क्यू एस, फाइट देखने को मिलती हुई यस जेड आई वर्मा यहाँ पे वोल्ट के एक बंदे को नॉक करेंगे फाइनली। और यहाँ पे यस हम देख पा रहे हैं नीचे से नेड आता हुआ, बट अगेन बच जाएंगे वहाँ पे। नोबिता ओपी भी वहीं पे है, नोबिता ओपी लेट्स सी व्हाट इज इट ट्राइंग टू सी। यस यहाँ पे पहला नॉक आता हुआ गोल्ड स्मिथ का, नॉक करेंगे डेडा यहाँ पे पूरी फाइट लेने के पूरी तैयार। गोल्ड स्मिथ यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट, बट यहाँ पे नो ये पीछे से आते हुए यहाँ पे मी नवंबर काफी ज्यादा यहाँ पे UMP6X के साथ मारते हुए यहाँ पे बीस्ट हम देखें आगे की तरफ आना चाह रहे हैं वहां पे। ओ मैन इनसेन फाइट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, वोल्ट एंड डेडा नॉट शोइंग एनी सिंगल बिट ऑफ साइन, बट यहाँ पे वॉट अ स्प्रे बाय देम। डेड आई वर्मा यहाँ पे काफी ज्यादा दूर आएगा, स्पॉट करेंगे यस नोबिता ओपी को यहाँ पे। मी नवंबर यहाँ पे आगे स्ट्राइक काफी ज्यादा आगे फाइट लेते हुए यहाँ पे वोल्ट एम जी ओपी यहाँ पे बहुत लो है यहाँ पे, जस्ट वन बिट ऑफ हेल्थ एंड ही विल बी गॉन। यस नॉक आता हुआ काउंटर नॉक आता हुआ यहाँ पे वर्मा पर, टीम के लिए अकेले बचेंगे, उनको बाहर आना पड़ेगा वरना टीम जा चुकी है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी, नवंबर ही बचे हैं। नोबिता ओपी यस एक को रिवाइव देना चाहेंगे, एम गॉड ओपी को रिवाइव मिल चुका, वर्मा यहाँ पे साइड से आ जरूर रहे हैं। लेट्स सी वर्मा स्मार्ट ऑफ यू, ये साउंड आती भी शायद नोबिता ओपी को। काफी ज्यादा साइड में जा रहे हैं, आई डोंट नो ही विल बी एबल टू क्रॉस और नॉट। यस एम गॉड स्पॉट करेंगे वहां पे डेड आई वर्मा को, अगेन 1 HP फॉर डेडा वर्मा, नो चांस फॉर इट एलसी के साथ। यहाँ पे वोल्ड फाइट जीती हुई डेडा के सामने, लव फ्रॉम स्ट्राइक ब्रो, यस ब्रो स्ट्राइक ओपी इन द चैट भी होता हुआ यहाँ पे। स्ट्राइक क्वालिफाई नहीं करी क्या स्ट्राइक, आई गेस दे शुड हैव क्वालिफाइड ना, नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेट फॉर देम यार। और इसी के साथ लॉस लियोनी से कंट्रोल लेते भी दो बार हो चुका है ऐसा, सॉरी ब्रो फॉर द लैग, इट विल बी बैक सून, मेरे को पता ही नहीं चला कब हुआ। वोल्ट और डेडाई की फाइट में दिखाई नहीं पाया क्या, नहीं दिखी है, ठीक है। काफी हद तक दिखी है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम देखिए यस टी आर क्यू इज गेटिंग एन एक्शन, बी क्यू एस की स्क्वाड यहाँ पे, टी आर क्यू जूनियर्स यहाँ पे एक्शन में आएंगे, टी आर क्यू जूनियर्स तो नहीं है सॉरी। और यहाँ पे फायर आता हुआ काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से हक दिया यार, कभी फायर आएगा यहाँ पे ब्लू और वॉट यहाँ पे, यस एक पे एक नॉक निकालेंगे अपनी टीम के लिए। यहाँ पे एक और स्पॉट करते हुए अगेन बी क्यू एस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत में आते हुए दिखेगी, पहला नॉक उनके अगेंस्ट जा चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम देखें बी क्यू एस स्पॉइड ही यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं, एडवांटेज उठा सकते हैं उसका क्या। यहाँ पे हक दिया यार ऊपर जाना चाह रहे हैं थोड़ा, वो नॉक हो सकते हैं भाई BQS Spidey इफ इज नॉट अवेयर, और BQS Spidey यस उनको पता नहीं है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे BQS Spidey को छुपना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा थर्ड पार्टी सरप्राइज दे रहा है। नहीं यहाँ पे बैक होते हुए इसी के साथ नहीं फाइट आ गई, ठीक है एवरीथिंग गोइंग गुड। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम गया, नहीं नहीं वो हो गया, वो एक्चुअली वो मेरा स्ट्रीम शेयरिंग बंद हो गया था, नेटवर्क इज गुड स्क्रीन शेयरिंग में इशू था, स्क्रीन कैप्चर बंद हो गया था मेरा अपने आप ही। पीछे से यहाँ पे TRQ की एक और स्क्वाड भी वेट करती हुई, अगेन किसी पे भी जोन नहीं बनता हुआ, जोन जा रहा है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यस आउटस्कर्ट्स ऑफ लॉस लियोनी, जिसमें यहाँ पे TRQ के पास काफी एक अच्छी पकड़ देखने को मिलती हुई, थक की टीम भी यहाँ पे काफी एक अच्छी पोजिशन ले चुकी है, फाइट में आती भी दिखेगी विद अनदर टीम। यहाँ पे हम देखें यस RNR की टीम, उनके टॉक्सिक ओपी मारे जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड बैड न्यूज फॉर देम। TRQ की एक और टीम यहाँ पे हम देखें यस दे आर रोटेटिंग फिलहाल अभी, एंड MKS क्रिमिनल के जस्ट सामने जाते हुए, उनको गाड़ी स्पॉट हुई है क्या,
रोटेशन मार रहे हैं, काफी लंबी रोटेशन मारना चाह रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बीटी तन्नू वहां पे थक अरीब को नॉक करेंगे, बीटी तन्नू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे। यस आरडीए एनिमी को भी स्पॉट करते हुए, बट सिंगल एंगल नहीं मिल पा रहा। यस कनेक्ट होती हुई यहाँ पे का 98 का शॉट थोड़ा सा, और यहाँ पे आरक्यू यहाँ पे टीटीएफ को नॉक करते हुए अगेन। यस हक दिया यार, इज गेटिंग सम एक्शन, नहीं हो रहा है एंड हक दिया यार, इज गेटिंग सम एक्शन ओवर हियर। हमारा था यार डीसिंक लग गया कर्मिनल की, कोई नहीं अनफॉर्चुनेट यार। आपको पर्सनल क्लिप दिखा रहा हमारे बंदे का, कर्मिनल में घुस गया था। अच्छा ऐसा है क्या, सोलो कास्टर ओपी, बिल्कुल यार सब कुछ अकेले करना पड़ता है यार, इट्स सो दिक्कत का काम कॉवेज कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। टी आर क्यू वर्सेज वोल्ट हमें देखने को मिल सकता है अभी, ब्रूडल एस जी को वहाँ पर नॉक मिलेगा। बी डी तन्नू काफ़ी अच्छी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, स्नाइपर चलाते हुए दिखते हुए हमें उनकी तरफ से। माफिया की स्क्वाड के जस्ट पीछे में यहाँ पे देख पाया था तो डेड शॉट यहाँ पे। यस कुछ फायर देते हुए वोल्ट की तरफ, यहाँ पे उनका वही एंगल है, नेट रेडी करते हुए गोकू यहाँ पे वोल्ट के लिए। फिलहाल को रेकलेस डिसीजन लेना चाहेंगे, काफी कम छोटा जोन बचा हुआ। टी गॉड यहाँ पे M4 ग्लेशियर का यूज देखने को मिलता हुआ, TRQ किंग को नॉक करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी TRQ और टी गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आगे जोन में जाना चाह रहे हैं फटाफट से। बहुत सारी टीम यहाँ पे पीछे थक की टीम यहाँ पे लड़ चुकी दिखेगी। यस थक यहाँ पे यस फाइनल फिनिश करते हुए कुछ टीम्स को, और यहाँ पे हम देखे आर एन आर भी बहुत दिक्कत में आ जाएगी। यहाँ पे स्पॉट करेंगे TRQ ग्लू अबाउट हो रहा है, बट अगेन यहाँ पे ग्लिच होता हुआ उनका स्कोप अनफॉर्चुनेटली अपने टीम के लिए अकेले बचे थे। यहाँ पे थॉर स्पॉट करेंगे फिनिश करते हुए यहाँ पे TRQ थॉर, इसी के साथ उनकी टीम पे भी दो बंदे मारे जा चुके हैं, बट अगेन 7 टीम्स आर स्टिल अलाइव राइट नाउ। गोवा वॉट यहाँ पे हमारे वोल्ट ईस्पोर्ट से जस्ट पीछे, वोल्ट ईस्पोर्ट के जस्ट सामने हमारे TRQ की दूसरी टीम भी थी। यस दे आर स्टिल गोइंग ऑन। थग अच्छे अपना एरिया ले लिया है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। डेड आई बीस्ट कह रहा हूँ, सॉरी TRQ बीस्ट इज टेकिंग सम फाइट विद TRQ लियो जूनियर्स के साथ यहाँ पे फाइट देखने को मिलती है। TRQ जूनियर्स वर्सेस TRQ काफी एक अच्छा यहाँ पे हिट का एडवांटेज है उन पे, हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लियो को देखें। यस लियो थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज देते हुए TRQ डेड शॉट को, किंग को वगैरह यहाँ पे देखें। होपफुली द स्ट्रीम इज गोइंग ऑन। यस वेरी गुड, डेड TRQ बीस्ट की तरफ फायर आता हुआ यहाँ पे, काफी ज्यादा यहाँ पे अपने आपको हील करना चाहेंगे फटाफट से। लायन को हम यहाँ पे देखे रोटेशन आती हुई दिखेगी, TRQ वर्सेस TRQ यहाँ पे होना पक्का ही है। जैप से जोन है बिल्कुल की गेट कीप्ड है उनका जोन, रोटेशन नहीं डाल सकेंगे वो, और काफी एक अच्छा रोटेशन का होल्ड डाल रखा है उन्होंने यहाँ पे TRQ ने। एक मॉलीज आते हुए थोड़े से आगे की तरफ, TRQ जूनियर्स काफी अच्छे उस पे हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पर वहां पे वोल्ट की फाइट होती हुई फाइनली गोकू यहाँ पे नॉकड है। माफिया यहाँ पे कुछ एक्शन के बंदे के पर वोल्ट भी नॉक होते हुए TRQ डेड शॉट अपने के लिए बचेंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो भी फिनिश होने की कगार पे ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला था आता हुआ नोबल तो ऑफ ही यहाँ पे, यस इसी के साथ वोल्ट की टीम खत्म हो जाएगी, पर डेड आई की टीम सॉरी TRQ की टीम भी खत्म होती हुई अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे हम देखें हिफ्जान ईस्पोर्ट्स की टीम, यस टीम थग यहाँ पे अब बचती हुई, 4 स्क्वाड्स रिमेनिंग राइट नाउ। थग एंड TRQ ग्लू और गू और पॉट अभी भी अपनी टीम के लिए बचे हुए हैं। थॉर अनफॉर्चुनेटली इनके मर गए थे, बट अगेन ही इज गोइंग फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट्स, गुड स्ट्रेटजी बाय देम। TRQ बीस्ट यहाँ पे स्पॉट होंगे थग स्पारो की वजह से, और यहाँ पे नॉक होते हुए TRQ पांडा को यहाँ पे नॉक मिला है बाय थग अरी। थग इज गेटिंग लाइव इन द एक्शन राइट नाउ काफी अच्छे तरीके से, बट अगेन रिप्लाई आता हुआ यहाँ पे टीम TRQ की तरफ से, थग अरीब को नॉक फिनिश करते हुए पूरा का पूरा। सो यहाँ पे डेड आई क्यों बाल बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, हमारे 8 किल्स हो गए थे ऑलमोस्ट शुरुआत में। हाँ यार ईगल आई काफी अच्छा खेली थी यार, MKS का एक ही बंदा बचा था सिर्फ वहां पे। रिवाइव मिलता हुआ अगेन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, टी गॉड और एनिमी यहाँ पे थोड़ा सा कवर देना चाहेंगे। स्पारो के यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ, 1 HP बचेंगे ऑलमोस्ट, अपने आपको हील करेंगे कवर में जाके फटाफट से, और यहाँ पे एनिमी भी अपने आपको हील करना चाहेंगे। और हेलमेट देख पा रहे हैं, हेलमेट उनका बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है।
स्पैरो अभी भी यहाँ पे फाइट लेना चाह रहे हैं कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे नेड आता हुआ पांडा यहाँ पे, यस निप डिया क्यू पांडा को, और यहाँ पे इसी तरह से एनिमी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे और यहाँ पे फिनिश भी होते हुए टिया क्यू किंग यहाँ पे उनको फिनिश करेंगे। टिया क्यू किंग को यहाँ पे स्पॉट करते हुए यस था स्पैरो एंड यहाँ पे नॉक भी करेंगे। पांडा के ऊपर भी एक टैप लगता हुआ लियो भी स्पॉट है यहाँ पे, और इसी के साथ लियो भी नॉक होते हुए पांडा अपनी टीम के लिए अकेले बचेंगे। यहाँ पे रिवाइवल बहुत जरूरी है उनको, तो अगेन किंग तो यहाँ पे रिवाइव नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ पे इसी के साथ लायन यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए थक स्पैरो का। जोन रोटेशन होना स्टार्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से पांडा भी नहीं बच पाएंगे क्या, बच तो गए बट उनको नीचे कूदना पड़ेगा, कितना ही सर्वाइव कर पाएंगे ड्रॉप को। और यस इसी के साथ वो भी नॉक हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली टिया क्यू प्रेडेटर अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं, टी गॉड एंड बीस्ट अपनी टीम के लिए बचे हैं, और लायन भी यहाँ पे यस फाइट लेते हुए देखेंगे। लायन यहाँ पे खत्म करेंगे, ब्रूटल एजी अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं इस वक्त। ब्रूटल एजी के जस्ट पीछे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टीम टी आर क्यू के ही एक और बंदे बचे यहाँ पे, तीनों टी आर क्यू के बस एक टीम बची है यहाँ पे, और यहाँ पे यस फिनिश करेंगे टी आर क्यू बीस्ट यहाँ पे। यस अब टी आर क्यू वर्सेस टी आर क्यू वर्सेस टी आर क्यू देखने को मिलता हुआ भाई साहब, मजा आ रहा है। 1v1v3 यहाँ पे सिचुएशन राइट नाउ, लायन के जस्ट नीचे यहाँ पे गू और वॉट है। Let's see what is trying to do. Predator की पोजीशन काफी ज्यादा नोन है यहाँ पे, टी गॉड को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉन्स्टेंट नेड्स आते हुए वहाँ पे प्रेडेटर की तरफ। अगेन गू और वॉट की पोजीशन यहाँ पे अभी तक अननोन। 3v2 एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आई गेस टीआर क्यू अभी, या फिर नहीं आई डोंट नो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू। लेट्स सी, यस बीस्ट अपना हाई एंगल लेते हुए काफी एक अच्छी स्ट्रैटेजी वह है, जोन पकड़ना चाहेंगे फटाफट से। यहाँ पे देखे प्रेडेटर को यहाँ पे 13 मीटर जोन में जाना है, और जबकि हम देखे सॉरी यस गू और वॉट को 10 मीटर जोन में जाना है। सो जोन की रोटेशन यहाँ पे बहुत दिक्कत देने वाली है दोनों ही अब सिंगल्स को, और स्क्वाड एडवांटेज भी यहाँ पे टीआरक्यू के साथ देखने को मिलता हुआ। जोन क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका है, प्रेडेटर स्पॉट होंगे, कॉन्स्टेंट फायर आएगा, अपने आप को हील करना चाहेंगे फटाफट से, बट यहाँ पे हील होने देंगे नहीं होने देंगे वो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा देखने को मिलता हुआ। गू और वॉट भी यहाँ पे आ जरूर जाएंगे, टीपीपी स्पॉटर भी यहाँ पे हम देखेंगे। यस गू और वॉट यहाँ पे नॉक जरूर करेंगे लायन को, बट इसी के साथ यहाँ पे टी आर क्यू जीती हुई आई गेस काफी ज्यादा कन्विंसिंगली जीतेगी। यस टी आर क्यू बीस्ट वाली टीम जीती हुई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ पे 13 फिनिशेज हमें देखने को मिलती हुई, 2 फिनिशेज हमें टी आर क्यू जूनियर्स की तरफ से देखने को मिलती हुई, 5 फिनिशेस टीआरक्यू 2 की तरफ से देखने को मिलती हुई आई गेस टीआरक्यू 2 यस। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टीआरक्यू, हाँ टॉर्क 2 सॉरी टॉर्क 1 टॉर्क 2, टीआरक्यू तो जल्दी ही मर गई थी। एंड थर्ड की टीम में यहाँ पे हम देखे 4th आई टीआरक्यू, आग लगा दी भाई दोनों आज सब ने टीआरक्यू में, मजा आ गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थर्ड की टीम यहाँ पे 6 फिनिशेस के साथ 4th पोजीशन पे आती हुई, 5th पोजीशन पे हम देख पा रहे हैं 3 किल्स के साथ अगेन टी आर क्यू इनसेन। टॉप 5 में 4 टी आर क्यू की टीम थी मैन, इनसेन जॉड टी आर क्यू जॉड, दैट्स वाई जोन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल यार स्क्वाड एडवांटेज एंड जोन एडवांटेज दोनों उन पे था टॉर्क 1 पे। एंड उसके बाद वोल्ट ई स्पोर्ट्स विद 8 फिनिशेस नाइस, 7 फिनिशेस के साथ हम 5 फिनिशेस के साथ टी आर 7th पोजीशन पे, आर एन आर विदाउट एनी फिनिशेस 8th पोजीशन पे, 1 फिनिश के साथ बी क्यू एस 9th पोजीशन, एम के एस 4 फिनिशेस फॉर देम, क्रिमिनल के वहाँ पे 3 किल्स। अनफॉर्चुनेटली ईगल आई सिंडिकेट का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट दिन रहा ये मैप, अगेन विल सी सम एक्शन इन द सेकेंड मैप फ्रॉम देम होपफुली। एंड उसके बाद हम देखें DBZL की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी स्नाइपर देखने को मिली आज 3 फिनिशेस के साथ, वो भी 12th पोजीशन पे, 13th पे हम देख पा रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स ईगल आई यहाँ पे हम देखें यस ऑलमोस्ट 7 किल्स हो गए थे, क्रिमिनल ही बचे थे अकेले जो उनको मार सकते थे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखें डार्क अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी किल्स, एंड उसके बाद एरीज भी हमने देखा सब फर्स्ट दस फर्स्ट स्क्वाड जो एलिमिनेट हुई थी वो एरीज की थी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट मैप खत्म होता हुआ, विल गो फॉर सेकेंड मैप शॉर्टली। मैं 1 सेकेंड आता हूँ गाइस, माइक्रोफोन ऑफ कर देता हूँ।
यस द रूम हैज़ बिन स्टार्टेड आई गेस। डी सिंह क्या आपको अनफॉर्चुनेट रह गया यार तुम्हारे साथ, तो कोई नहीं कोई नहीं। ओहो एक सेकेंड, चल रहा है ठीक है। नो डेटा आ रहा था लिखा हुआ, मेरे को डाउट हो गया। हाँ ठीक है आ गया, गुड कनेक्शन। वी आर बैक, आई होप स्ट्रीम पे आवाज़ आ रही हो यार इसकी। गाइस मेक श्योर टू हिट लाइक यार, लेट्स गो फॉर 30 लाइक्स। हाँ ठीक है आवाज़ तो सही आ रही है। बैक आफ्टर द आइसेज। अरे यार नया आ गया, आ गए गाइज। मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू नीड टू द स्ट्रीम, शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स। वी हैव क्रॉस्ड, यस वी आर एट 665 फाइनली, यस थैंक्स गाइज। बंदे ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, लेट्स वेट। 665 यस ब्रो, काम 25 करना पड़े। कुल भाई ईगल, ईगल आई वॉर्ड, वी विल बी वेटिंग फॉर काम 25 इन दिस मैप इरांगल। लेट्स शो द मूव्स द बॉस। Yes, room has started. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. A frequent break and a late response.
और यहाँ पे यस वी हैव सीन प्लेन की काफ़ी अच्छी लाइन देखने को मिलती हुई यहाँ पे. यस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टालबर वील वी गोइंग टू प्रीमॉस्क. लेट्स हॉप इन टू द राइड एंड बिगिन. ये गला दिखा लेट्स गो फॉर 10 मोर लाइक्स. लेट्स गो फॉर 30 लाइक्स गाइस. एंड यस काफ़ी सारे टीम्स ऑलरेडी यहाँ पे. यस हम देख पा रहे हैं स्कूल एंड रॉजॉक के ऊपर ड्रॉप मारते हुए, तो आई गेस वहाँ पे जॉर्जिया पुल जाना चाहेंगे. यस हम देख पा रहे हैं आर एन आर थग टी आर क्यू एंड डार्क आर गोइंग फॉर जॉर्जो ड्रॉप्स, जबकि हम देख पा रहे हैं यस डार्क इज गोइंग फॉर अपार्टमेंट ड्रॉप्स. थोड़ा सा टी आर क्यू एंड आर एन आर गोइंग फॉर क्रेड ड्रॉप्स. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ईगल आई सिंडिकेट भी यहाँ पे कंपाउंड को पॉइंट शायद लूटना चाहे. टीम स्काई ई स्पोर्ट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यस दे हैव गॉन फॉर द स्कूल अपार्टमेंट्स. यहाँ पे टी आर क्यू किंग हैज गॉट द कार. आई कैन सी टी आर क्यू डेड शॉट की टीम यहाँ पे काफ़ी टी आर अपने टीम में उनके अकेले यहाँ पे आपस में फाइट होती हुई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. टी आर क्यू प्रेडर बहुत ज़्यादा लो चुके हैं, उनको गाड़ी से उड़ाना चाहेंगे माफिया. लेट्स सी जैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वॉट इज ट्राइंग टू डू. ओके डेड शॉट को उठाते हुए माफिया यस अपने टीम के साथ फटाफट से यहाँ से निकलेंगे. प्रेडर काफ़ी जो लो गए थे यहाँ से बच के निकल जाएंगे फटाफट से. यस बग्गी का यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ उनको. टी आर क्यू सेम स्ट्रैटेजी अपनाती हुई दिखी थोड़ी सी, बल्कि यहाँ पे हम देखें यस ब्रूडल एच जी वहाँ पे गाड़ी से उड़ाते हुए और यहाँ पे फायर आता हुआ काफ़ी ज़्यादा ईगल एक्स बॉन्ड पे. डी बी जी की टीम जस्ट उनके पीछे हमें देखने को मिलती हुई. ब्रूडल एच जी यस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हुए आर एन आर और इनका ड्रॉप्स काफ़ी सेम थे. यस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डार्क आई हंटर वार्डन तो वो तो फिनिश कर ही देंगे. यस फिनिश होते हुए वार्डन यहाँ पे ब्रूडल एजी के द्वारा, बट अगेन यहाँ पे यहाँ से बच के निकलते हुए किसी से डार्क आई के प्लेयर्स. डार्क ईगल एक्स वार्डन यहाँ पे डार्क की टीम में खेल रहे थे वॉट आई गेस. Let's see some action over here. Yes, Brutal HZ यहाँ पे सेफली आ जरूर चुके हैं, बट यहाँ पे टी आर क्यू और आर एन आर कभी भी फाइट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी. यस ये हमने देखा है बीच को थोड़ा डैमेज जरूर लगा है वहाँ पे. यहाँ पे नीचे उतरना चाहेंगे, कवर लेना चाहेंगे एक अच्छा. ये क्या भाई, ये क्या आवाज थी? और थक गया यार आज का इस. यहाँ पे एरीज डेड शॉट सभी भी यहाँ पे यस बी क्यू एस स्पाइडी के सामने जाते हुए थोड़ा सा उनको शायद आइडिया नहीं है. यहाँ पे यस ही हैज सम सस्पेक्ट ओवर एयर की लाइक बी क्यू एस स्पाइडी यहीं पे है. लेट्स सी एरीज यहाँ पे बट अगेन बैकअप यहाँ पे नहीं आ पाएगा उनके टीम का एरीज का. स-
स्मोक्स कर लिए हैं यहाँ पे स्पाइडर ने अपने लिए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा। और यहाँ पे फायर आता हुआ अगेन बाय, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था बीक्यूएस का काफ़ी जल्दी यहाँ पे रोटेशन आ जाएगा कंपेयर टू एरीज, और यही देखने को मिलता हुआ एरीज अभी भी काफ़ी ज़्यादा लाग करती हुई पीछे से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इस पर यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है टीटीएफ मिहिर हमें यहाँ पे सामने देखने को मिलते हुए, स्पॉटेड है थोड़े आई गेस। लेट्स सी टीटीएफ मिहिर पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज ट्राइंग टू आई डेड शॉट, बट जैक्सन एंड हॉकआई भी शायद यहीं एम लगा के बैठे हैं इनके ऊपर। यस यहाँ पे स्कारल के टैप्स देखने को मिले थे, पर पूरा पूरा यहाँ पे घेर लिया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आरबी फेंडर यहाँ पे साइड से आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। जैक्सन यहाँ पे सेकंड में नॉक हो जाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा ओपन में है, स्पॉटेड है यहाँ पे। और यस एम फोर मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई चांस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हॉकआई भी यहीं बराबर में ही है, एरिस डेडशॉट ऑलरेडी यहाँ पे नॉक करे गए हैं बाय बीक्यू स्पाइडी का ग्रेनेड यहाँ पे आया था उनके लिए। अगेन ही इज वेटिंग फेंडर को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इस ग्रेनेड से जैक्सन को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर एक बंदा जरूर है। नेड अच्छा था, यस काफी ज्यादा चंक लेके जाता हुआ, एक और नेड आता हुआ, कुक्ड है या नहीं है ये देखना पड़ेगा कुक्ड होता, और यहाँ पे यस अप्रोप्रिएटली कुक्ड यहाँ पे, और इसी के साथ नॉक होते हुए एरीज हॉकआई अपनी टीम के अलावा अकेले बचेंगे। व्हाट कैन ही डू नाउ, दैट विल बी द सस्पेंस फॉर देम। एरीज की टीम अगेन, विल इट बी द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। यस मेहर यहाँ पे स्पॉट होते हुए यहाँ पे, बट अगेन हॉका यहाँ पे कुछ लेना नहीं चाहेंगे, यहाँ पे उनको पॉइंट्स बहुत जरूरी है। यस फाइनली यहाँ पे नॉक करते हुए मेहर को फिनिश करना चाहेंगे, बट फिनिश करने का मौका नहीं दिया, यहाँ पे उनको फिनिश करेंगे। और इसी के साथ फर्स्ट टीम टू गेट नॉक इज अगेन एरीज। TRQ versus RNR going on in George Pool crates. RDA enemy काफी ज़्यादा close यहाँ पे enemy के अपने toxic OP यहाँ पे हम देखे penetration डालना चाह रहे हैं जरूर। Beast यहाँ पे काफी ज़्यादा पीछे अपने team से, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। Beast को आके आना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। He can't bait every team member and then come in टू गेट 1v4, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डायर हो जाती है यहाँ पे क्रेट्स में, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलती है। यहाँ पे बीस्ट फ्लैंक करना चाह रहे हैं, बट वो फ्लैंक कितना कामयाब होगा वो देखने की बात रहेगी जरूर। फिलहाल टॉक्सिक ओपीएस इज एक्सपेक्टिंग फॉर दैट फ्लैंक ऑफ बीस्ट यहाँ पे। यस साउंड जरूर आया मेरे को, होपफुली उनको भी आया होगा। Guys, if you follow Valorant also, I can confirm you that GE has beaten Velocity Gaming and Rossi match MVP. Best of 5 match going to the 5th map with a score of 13-10 in the favor of GE. Yes, Rossi in crying state right now. So happy for him, man. Yahan pe toxic OP. एंड यहाँ पे ये हम देखे पनिशर यहाँ पे नेड करते हुए टीआरक्यू बीस्ट के लिए, बीस्ट का काफ़ी अच्छा नेड आता हुआ यहाँ पे उस तरफ, अगेन नेड्स डालते हुए कॉन्स्टेंटली लाइन की तरफ नेड जाएगा लाइन, बट अगेन सेफली अभी फिलहाल, अभी तो फिलहाल शेलिंग ही चल रही है यहाँ पे दोनों आरएनआर की तरफ से, थोड़ा सा डराने का ट्राई, बट अगेन बीस्ट को पता है वहाँ पे उनकी पोजिशन डोन है तो पीछे आएंगे अपनी टीम के पास फाइनली फॉल बैक होते हुए यहाँ पे। टॉक्सिक ओपी कोई भी अपना चांस नहीं देना चाहेंगे, none of them is moving, no one wants to give any feedback, sorry feedback kar sorry first kill to anyone
डेडाई की रोटेशन आते हुए दिखती हुई थोड़ी सी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यस टीम स्काई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आती हुई दिखेगी, एलेक्स सिंडिकेट और यस टी आर क्यू को रोटेशन आती हुई दिखेगी, टी आर क्यू जूनियर्स क्या आप देख पा रहे हैं एंड टॉर्क वन वी कैन सी द क्लोजेस्ट फाइट वी कैन सी राइट नाउ इन द सर्वर। पूरा घेर लिया है यहाँ पे आरएनआर ने, नो चांस एक्सेप्ट बीस्ट। यहाँ पे हम देखे पर बीटी तन्नो भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं और पनिशर भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज चलेगा। आई डोंट नो व्हाट इज बीस्ट ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू स्पॉट अ फ्लैंक और समथिंग, बट नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी बाय हिम राइट नाउ। And first fire, gun fire round, finally shot at TRQ T-God, but he is currently safe. Joining TRQ Beast over here, Punisher will be switching over to that flank, watching for it. And battery is going to get low. Yes, spot karenge. Yes, Beast ko spot zarur karte hain yahan pe Punisher. Yes, dusra banda bhi spot ho gaya hai. Again, Punisher. Playing 200 IQ or what? Close in करते हुए थोड़ा सा beast and T God बहुत दिक्कत होने वाली है। कभी भी oh, shit, not a gate, but timing यहाँ पे fire करते हुए side से हम देखें DBZ का fire आएगा। Punisher पर Punisher यहाँ पे smoke finish हो जाएंगे unfortunately। यार क्यों beast भी यहाँ पे बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। टीममेट को रिवाइव दें तो बढ़िया ही रहेगा। साइड से हम यहाँ पे देखे आरडीएल लायन को यहाँ पे नॉक कर दिया, एनिमी यहाँ पे नॉक होते हुए अगेन अपनी टीम के लिए, सिर्फ टीआरक्यू बीच से बचेंगे। टीआरक्यू बीच इज नॉट अ गुड हेल्थ ऑल्सो, वहाँ पे अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है उनको, वही करते हुए फिलहाल के लिए अभी। एंड यहाँ पे आर एन आर इज गोइंग टू टेक दैट फाइट विन फॉर दैट, नॉट अ ग्रेट गेम टर्निंग आउट फॉर टीआरक्यू टॉक वन सॉरी। एंड यहाँ पे हम देखें यस डीबीसी का ऑलरेडी रश आ चुका है, एल यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड द फॉल्ट विल बी गोइंग ऑन बिटवीन आर एन आर एंड डीबीसी नाउ I guess. Let's see DBZ points of view. Yes, यहाँ पे TRQ Beast जस्ट उनके सामने ही है। Eagle Eye Cross YT, let's see. There are 3-man squad right now. What are they trying to get again? मैं देख लेता हूँ यार, एक बार दोबारा बंद ना हो जाए यार, ये पागलपंती कर रहा है, चला हुआ है अभी तो। पर यहाँ पे अभी क्यों बफर कर रहा है मेरे को कंट्रोल में? वेट वेट गाइस, अरे यार ये क्या बकवास है यार। डोंट से इट्स बिकॉज ऑफ बैटरी इशू और समथिंग, नहीं हाँ ठीक है शायद। नहीं यार अभी भी बफर कर रहा है मेरे को। हाँ ठीक है सॉरी गाइस यार, काफ़ी ज़्यादा फाइट निकल गई यार, इस दिमाग ख़राब कर रहा है यार। यहाँ से निकलना चाह रहे हैं यहाँ पे टी आर क्यू की भी, यहाँ पे गाड़ी जाती भी दिखती भी यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड पहले ही उतर जाएंगे, डैमेज लेंगे जल्दी उतरने की वजह से। और यहाँ पे यस टी आर क्यू इज नॉट स्टॉपिंग राइट नाउ एंड गोइंग फास्ट एज पॉसिबल, आई एम फास्ट एज फुट बॉय सेइंग दैट टू। आ जाएगी स्ट्रीम विल बी बैक सो यार, स्ट्रीम विल बी बैक। अरे भाई क्या ही बोले यार, लुल हो गया। टी आर क्यू यस टी आर क्यू इज जस्ट पासिंग अराउंड बाय टी आर क्यू,
दे विल नॉट बी स्टॉपिंग हेयर आई गेस. यस दे विल नॉट बी स्टॉपिंग हेयर, दे गोइंग फॉर द मिड जोन आई गेस. असल में यहाँ पे अपने टीम के लिए जो अकेले बच्चे हैं टी आर क्यू के ही, डेडा जिंदा डेडा. यस आई थिंक दे आर अलाइव राइट नाउ. यस डेडा इज अलाइव राइट नाउ एज आई कैन सी. यस दे आर गोइंग फॉर द प्रोटेक्शन. काफ़ी ईजी रोटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है यार इस वक्त डेडाई का, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली. और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टी आर लूसिफर ने यहाँ पे डॉक फिनिश करते हुए पूरा का पूरा टी आर गोकू को, टी आर क्यू गोकू को टॉक टी आर क्यू वाले को एक पहला झटका लगते हुए देखते हुए यहाँ पे थक दिया यार इस गेटिंग नॉक प्लेयर बाय द हैंड्स ऑफ बी क्यू एस. बी क्यू एस यहाँ पे अगेन एक्शन मारते हुए मिहिर यहाँ पे नॉक होते हुए बी क्यू एस स्पाइडी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. नेट्स आते हुए कॉन्स्टेंट ग्रेनेड्स एक्सचेंज होते हुए मिहिर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे. नहीं हो रहा है यहाँ पे उनको फिनिश करते हुए, नहीं हो रहा. डार्क भी दिखाते हैं ब्रो यार. इसी बड़ी ग्रेट अभी फाइट चल रही है यहाँ पे इंटरेस्टिंग थोड़ी. ईगल भी यहाँ पे आती हुई इस पिक्चर में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. जस्ट बराबर में से गाड़ियाँ निकलेंगी उनकी, सेफली निकल जाएंगी. 3v4 सिचुएशन राइट नाउ फॉर टी आर क्यू. यहाँ पे हम देखें टी आर भी यहाँ पे फाइट लेना चाह रहे. क्रॉस वाइट यहाँ पे स्टक होते हुए अनफॉर्चुनेट यहाँ पे, और इसी के साथ यहाँ पे वो भी फिनिश हो जाएंगे. यहाँ पे नॉट अ गुड थिंग फॉर ईगल. ईगल यहाँ पे बॉन्ड रुके जरूर है कि स्टेबल मिल जाए यहाँ पे, बट नहीं मिल पा रहा है उनको. ब्लेड भी यहाँ पे अब रुक चुके हैं बॉन्ड के साथ फिलहाल. दिस इज गोइंग टू द एपिसेंटर ऑफ द फाइट राइट नाउ. और इसी के साथ मेरे ख्याल से यस दे हैव फिनिश बीक्यूएस की स्क्वाड यहाँ पे टी आर क्यू एंड 7 फिनिशेस पे आती हुई टीम. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेड शॉट यहाँ पे फायर देती हुई थोड़ा सा. और टी आर क्यू लियो की तरफ यहाँ पे हम देखे यस टी आर क्यू लियो मूव करते हुए अपने आस पास थोड़ा सा कवर बनाना चाहेंगे अपने लिए. डार्क की टीम वहाँ पे फाइट में आती हुई दिखती हुई. लेट्स गो टू डार्क पॉइंट ऑफ व्यू. वेट डार्क शुड बी हियर. यस हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलती हुई डार्क. जस्ट बराबर में उनके ही हम देख पा रहे टीम थग है. स्पारो को नॉक डाउन करा गया है अभी. अमन विल बी गेटिंग हिम रिवाइव्ड फिलहाल के लिए. काफी लंबा स्प्रे आया था वहां पे इस बुडलेजी. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एडवांटेज ले लिया उन्होंने हिल टॉप का. यहाँ पे शो वोल्ट, हाँ वोल्ट भी दिखाते हैं ब्रो. यस इज वोल्ट हियर ही वोल्ट 13 नंबर 18 फिलहाल दे आर रोटेटिंग इजीली. अभी कोई दिक्कत नहीं होगी यार उनको. लेट्स गो बैक टू देयर कांगे डार्क. ब्रूटलेजी को देखते हैं यहाँ पे फाइट चल रही थी. नहीं वोल्ट इज गेटिंग एन एक्शन सो लेट्स गो टू वोल्ट. वोल्ट विलन यहाँ पे नॉक फिनिश होते हुए बाय द हैंड्स ऑफ टी डेडा है. नवदिता ओपी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नॉक हो चुके हैं. यहाँ पे एम गॉड ओपी यहाँ पे उनको रिवाइव देते हुए. सो यहाँ पे डेडा का जो रोटेशन आया था हमें देखने को मिला था इजी रोटेशन था. यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा एंगल ले लिया बट अगेन दे आर विल नॉट बी चूजिंग टू रश आई गेस. क्योंकि बात तक यहाँ पे नॉक होंगे. इसी के साथ यहाँ पे उनको रिवाइव मिल जाएगा अगेन. बट काफी अच्छा स्नाइपर एक्शन देखने को मिला था हमें यहाँ पे टीआर की तरफ से. टीआर ने स्नाइपर या फिर या स्नाइपर लूसिफर की. यस लूसिफर की स्नाइपर थी आई होप. मेरे को याद नहीं यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार आज. जोन के जस्ट एज पे बाकी टीआरक्यू के पास एक अच्छा जोन देखने को मिलता हुआ. आरएनआर पे भी अच्छा जोन है. डार्क की टीम यहाँ पे एक्शन में दिख सकती है किसी भी वक्त. अब यहाँ पे जब थक की टीम यहाँ से निकलना चाहिए बराबर से. ब्रूटल एजी को यहाँ पे नॉक दिया गया है अभी अभी फिलहाल बाय द टीम डार्क. आदर्श ओपी यहाँ पे आई गेस उन्होंने यहाँ पे नॉक दिया था एंड दे विल बी रशिंग नाउ. यहाँ पे यस हम देख पा रहे हैं डार्क हंटर यहाँ पे फर्स्ट मैन इन टू रश. यहाँ पे लेट्स सी हिज पॉइंट ऑफ व्यू. स्पैरो जस्ट यहाँ पे स्पॉटेड नॉक करते हुए. अमन भी यहाँ पे स्पॉट होते हुए थोड़ा सा. अमन यहाँ पे नॉक कर सकते हैं डार्क आई को बट नहीं उल्टा होता हुआ यहाँ पे. यहाँ पे नॉक अमन भी यहाँ पे नॉक होते हुए पहला नॉक आता हुआ
पीछे से भी गोलियां पड़ती हुई और दोनों यहाँ पे हैं। नॉक भी आएगा, ये दूसरा नॉक आता हुआ, तीसरा नॉक नहीं निकाल पाया अनफॉर्चुनेटली। डाका या अंटर उनको फिनिश करेंगे और डार्क आई किसी तरह से सरवाइव करती हुई। ईगल अब यस सॉरी ईगल कह रहा हूँ, आई यहाँ पे यस आराम से रिवाइव हो जाना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भांजी मारने का ट्राई करा था आरएनआर ने और काफ़ी हद तक खो भी गए थे। बट अगेन रोटेशन बहुत दिक्कत होने वाली है अब, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे ईगल एक्स की रोटेशन ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे हम देखें ब्लेड FTW फॉर द विन, रोटेशन आती हुई ऑलरेडी दिख गई है। यहाँ पे ओपन में लेटना चाहेंगे, वोल्ट की रोटेशन भी आती हुई दिखती हुई हमें। यस वोल्ट हैज टेकन दैट कंपाउंड, ओपन कंपाउंड था एंड दे हैव सिक्योर्ड इट फॉर देयर सेल्स। डेडाई को हम यहाँ पे देखे फोर फिनिशेस के साथ, ऑलरेडी उन्होंने एक बंदा खो दिया है अपना अनफॉर्चुनेटली डेडाई वर्मा। यहाँ पे TR ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा जो उन्होंने कंपाउंड पकड़ा हुआ तो फाइनली आउट ऑफ जोन जाता हुआ, और यहाँ पे अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ब्लेड यस वहाँ पे TR की बत्तख बनाते हुए, और वहाँ पे एक और बार बत्तख नॉक होते हुए। बत्तख का दिन आज अच्छा नहीं चल रहा है। उनके पास तो ईगल एक्स बॉन्ड भी यहाँ पे आएंगे। बट अगेन वोल्ट की पोजिशन एक अच्छी है अगर इफ दे आर ट्राइंग टू कंटेस्ट इट, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। जरूर स्पॉट करेंगे बट अगेन दे आर नॉट concerned about Eagle Eye's position right now. TRQ is also having a red zone for themselves. पीछे से डेड आई उनके जरूर आना चाहिए। डार्क आई यहाँ पर देख पा रहे हैं रोटेशन मारते हुए दिखेगी। TR यहाँ पे स्पॉट हो चुकी है और यहाँ पे बदला लेना चाहेंगे। कुछ नॉक्स का यहाँ पे जो TRQ को मिले थे बाय द हैंड्स ऑफ TR आई गेस। बट यहाँ पे हम देखें पीछे की तरफ, यहाँ पे यस ईगल वर्सेस हमें देखने को मिल सकता है। आज हमारा दिन नहीं है बिल्कुल यार, अनफॉर्चुनेट चल रहा है यार। आई गेस स्ट्रीम इज गोइंग गुड फुली नाउ। पहले मैं अपना डिस्प्ले आप इसमें बॉन्ड एंड ब्लेड आर फाइटिंग 4v2 सिचुएशन राइट नाउ। कॉन्स्टेंट नेड्स आते हुए बॉन्ड यहाँ पे स्पॉट होंगे, थोड़ा सा डैमेज जरूर आता हुआ वहाँ पे। वोल्ट भी हम देख पा रहे हैं एक्शन में आना चाहेगी। वोल्ट यस TRQ के साथ एक्शन बनाना चाह रही है। मी नवंबर बत्तख बनाते हुए, बत्तख की दोबारा से आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स बत्तख हैज बीन नॉक्ड अगेन। बट उनका यस आरएनआर यहां पे रश करते हुए डार्क साइड यहां पे नॉक होंगे। हक दिया यार यहां पे नॉक करेंगे और इसी के साथ यहां पे बीटी तन्नु एंड वहां पे टॉक्सिक ओपी गाइस थोड़े ने कप टीम के लिए बचे हैं फिलहाल। TR लगेच फिनिश केला रे, एकटा तिथं आहे आणि बाकी तुम्ही फोर वी सिच्युएशन राईट नाऊ फॉर TR नेड आहे, नेड आहे त्याच्या पडल्या गोळ्या। नेड्स काफी अच्छे फेके गए हैं अभी। ए तू गाडीत बसू नको, तुला डॅमेज पडल नेडचा। डार्क आय हंटर वहां पे नॉक निकालेंगे, इतनी दूर से डार्क आय हंटर कैसे नॉक निकाल रहे हैं। तो गाडी तो अपनी गाड़ी उनको गो और वॉट अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं। जोन काफी अच्छा बट होल्ड नहीं कर पाए जोन को। अगेन हम यहाँ पे देखे बॉन्ड यहाँ पे ये TR यहाँ पे अपनी रेड करता है। वोल्ट की टीम यहाँ पे फाइट करना चाह रही है। सो मेनी टीम्स राइट नाउ फाइटिंग ओवर। TR की टीम सारी मर चुकी है एक्सेप्ट ERN एरन। कॉन्स्टेंट फाइट्स टेकन बाय डेडाय आल्सो एंड यस वोल्ट वहाँ पे कुछ हद तक फिनिश करेगी क्या। यस साई स्पोर्ट्स आज भी फिनिश बाय RNR नहीं हो रहा है, हैज बीन गेटिंग रिवाइव्ड। यस RNR पनिशर यहाँ पे नॉक फिनिश होते हुए। बीटी तन्नू अपनी टीम के लिए अकेले बचेंगे। लेट्स सी व्हाट कैन ही डू। इलेक्ट्रिसिटी का टावर है ना, अनुतोप नहीं अभी टॉक्सिक ओपी भी बचे हैं। सॉरी माय बैड,
आरएनआर के दो बंदे बचे हुए दिखते हुए, अगेन नेट जाते हुए डार्क आई की तरफ से। यस हंटर यहाँ पे नॉक होंगे टॉक्सिक ओपी की तरफ से, एंड यहाँ पे टीम डार्क भी थोड़ी सी दिक्कत में आती हुई दिखेगी। सो मच फाइट गोइंग ऑन राइट नाउ, वहाँ पे वोल्ट भी वहाँ पे फाइट लेना चाह रही है डेडाई के साथ। और वहाँ पे पीछे से ईगल ने यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली थी क्या अपने लिए। ईगल अभी भी यहाँ, ओहो ब्लेड अभी यहाँ पे 200 आईक्यू प्लेस निकालते हुए देखेंगे। वोल्ट स्मिथ अपने टीम के लिए अकेले बचे हैं एंड विल बी गोइंग फास्ट भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। टीआरक्यू नहीं हो रहा है, एज बी नॉक यहाँ पे कोर वाटर टीम के लिए अकेले बचे हैं। यस और यहाँ पे नॉक करते हुए यहाँ पे यस और आरएनआर टॉक्सिक ओपी बीटी तन्नू वर्सेस गोर वॉट, लेट्स सी लेफ्ट लाइन। और यहाँ पे बीटी तन्नू ये फाइट जीते हुए, आरएनआर हैज फिनिश्ड अनदर टीआरक्यू 2 स्क्वाड, व्हाट अ डे फॉर देम राइट नाउ। और डार्क 1v3 सिचुएशन राइट नाउ, यस और फिनिश करते हुए डार्क आई हंटर यहाँ पे उनको फिनिश करेंगे डार्क हंटर। और इसी के साथ यहाँ पे तो मरना रहे टीम डार्क भी यहाँ पे निकलती हुई, टी आर ई एन यहाँ पे यस ब्लेड को स्पॉट करते हुए फाइनली, और एरन यहाँ पे अब टी आर के लिए अपने कंटेंशन दिखाएंगे। टॉप फोर में आ चुके हैं सारे के सारे बल्ले, इसमें से वोल्ट के पास मैन एडवांटेज हमें देखने को मिलता हुआ, फोर मैन स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। डार्क आई स्पॉट एरन को स्पॉट करेंगे और एरन फिनिश होते हुए डार्क आई हंटर को स्पॉट करेंगे यहाँ पे। यस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ड्रॉप वाला व्हीकल से यहाँ पे निकाल के जाएंगे यार। इनसेन मैन व्हाट इज ट्राइंग, क्या ही बोले यार। टीम डार्क वर्सेस टीम वोल्ट यहाँ पे काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डार्क आई हंटर यहाँ पे गोल्ड स्मिथ को स्पॉट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। डार्क हंटर को नॉक करेंगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नॉक आता हुआ। 3v3 सिचुएशन राइट नाउ फॉर बोथ टीम्स, सो हु विल गो फॉर द चिकन डिनर। यहाँ पे यस नॉक आएगा, यहाँ पे डार्क आई यहाँ पे नॉक करेंगे एक यहाँ पे और दूसरा भी नॉक आता हुआ। आदर्श ओपी अपने टीम के लिए, एमगॉड ओपी अपने टीम के लिए अकेले बचेंगे। व्हाट ही इज ही ट्राइंग टू डू नाउ, यहाँ पे रिवाइव कितना पॉसिबल होगा वो देखना पड़ेगा, बट नहीं वहाँ पे पॉसिबल वहाँ रिवाइव नेको नहीं देखता हुआ। और इसी के साथ यहाँ पे डार्क टीम जीतती हुई यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। टोटल यहाँ पे 11 फिनिशेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हुई टीम डार्क की तरफ से, 2 फिनिशेज फ्रॉम वोल्ट, 7 फिनिशेज फ्रॉम डेडाई, इनसेन मैच बाय देम ऑल्सो। टी आर यहाँ पे 3 फिनिशेज, 4 फिनिशेज फॉर मीगलेक्स, आर एन आर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यस दे हैव फिनिश्ड विद 12 फिनिशेज इनसेन विद 6 प्लेस। टी आर क्यू गो और वॉट की टीम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दे हैड इनसेन किल अमाउंट, वी कैन सी 11 फिनिशेज फ्रॉम देम एंड आफ्टर वी कैन सी टी स्काई स्पोर्ट्स विदाउट एनी किल्स, 1 किल्स फ्रॉम थग, 0 kills from TRQ, Talk with any kills, BQS with 3 kills, 1 kill from DBZ and 0 kills from TRQ Junior, TRQ Talk and Aries Squad. So इसी के साथ आज का यार यहाँ पे वीकली स्क्रम्स इस हफ्ते की समाप्त होती हुई यार, क्या बात है। होपफुली गाइज यू enjoyed it guys, अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इनसेन मैन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन टू द स्ट्रीम, और मेरी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है तो देखते हैं कैसा रहता है। कल मिलते हैं या फिर परसों मिलते हैं, कल शायद मैं स्ट्रीम ना करूँगा यार, एक दिन का ब्रेक लूँगा, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, कल मैं रेस्ट करूँगा। आज थैंक यू सो मच फॉर द लव वी हैव गिवन मी टुडे एंड यस आज शायद थोड़ी सी ऐसी कास्टिंग नहीं हो पाई है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता दो यार। मेरे ख्याल से मैं आई हैव नॉट लिव्ड अप टू दैट स्टैंडर्ड, जो मेरा स्टैंडर्ड मैंने जो सोचता हूँ मेरे दिमाग में है आज, क्योंकि दिमाग आज बिल्कुल भी नहीं चल रहा है यार, बहुत थका हुआ हूँ लिटरली। चलो कोई नहीं, जो भी है थैंक यू फॉर जॉइनिंग, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है। क्या ही बोले, मिलते हैं यार जल्दी, अगर मैं कल स्ट्रीम करूँगा तो कल मिलेंगे, वरना परसों तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इनटू द स्ट्रीम,
एंड गुड नाइट गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू फॉर टुमारो यार, अगर हम कल नहीं मिलते तो इन एडवांस. एंड यस गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट. एंड विनर्स विल बी अनाउंस सून ऑन द ग्रुप. सो अभी टेबल वगैरह बनेगी दोनों मैच की, तो हिसाब से सो अकॉर्डिंगली. यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय बाय.